हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित गोयल। वेलकम टू माय स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसा कि बताना चाहूँगा, रेलवे लोको पायलट की एक नई भर्ती आने वाली है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है और 2600 पोस्ट वैकेंसी है, यानी 2600 पोस्ट हैं। तो प्रूफ के साथ देखते हैं, आप लोग मुझे अन अकेडमी फॉलो कर सकते हैं मोहित गोयल के नाम से। कोई भी डाउट्स हो, कोई क्वारीज हो, आप पूछ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो, कोई क्वारी पूछ सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन है सिंपल, तो प्लीज़ इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट इन 1947 में, 1947 में पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी आर के शेट्टी, ऑप्शन डी जरूर मिथाई। और जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, RRB NTPC के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रुप डी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, SSC जल होना है जैसे कि, और CPO भी एग्जाम होना है अभी, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू जनरल होने के क्वेश्चन देखे हैं विद एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के 101% वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, 101%। ठीक है, फटाफट चलते हैं, नोटिस पे चलते हैं। कहीं देखिए, रेलवे में 2600 चालकों की भर्ती जल्द होगी। रेलवे में 2600 चालकों की भर्ती जल्द होगी, ठीक है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है रेलवे की तरफ से, ठीक है। रेलवे देखते हैं, रेलवे बोर्ड ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC पर तेज रफ्तार मालगाड़ियों को चलाने के लिए 2600 ड्राइवरों को भर्ती करने का फैसला किया है। कितने ड्राइवर को? 2600 ड्राइवर को भर्ती करने का फैसला किया है। बहुत बहुत खुशखबरी है कि 2600 ड्राइवर पोस्ट हैं, यानी कि आप लगा लीजिए कि रेलवे लगातार वैकेंसी दे रहा है, रेलवे जो लगातार वैकेंसी दे रहा है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है स्टूडेंट लोगों के लिए। बेरोजगार युवाओं को नए साल में DFC में नौकरी करने का मौका मिलेगा, ठीक है। DFC में भर्ती होने वाले ड्राइवर को कैप्टन और को कैप्टन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि अक्टूबर के अंत तक पूर्वी DFC पर खुर्जा से भदान कानपुर के बीच कॉमर्शियल मालगाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, DFC ने फिलहाल रेलवे से ड्राइवर लेकर मालगाड़ियों को चलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही प्रथम चरण में 2600 कैप्टन और को कैप्टन की भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है, यानी कि 2600 कैप्टन को कैप्टन भर्ती करने का प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि आगामी जनवरी से अप्रैल तक 2600 में से 50% कैप्टन को कैप्टनों की भर्ती कर ली जाएगी, यानी कि 26 आप लगा लीजिए अप्रैल तक जो है 50% कर लिए जाएंगे, जो रिमेनिंग होंगे, ठीक है, 50% यानी कि 1300 कर लिए जाएंगे, तो रिमेनिंग होंगे 2020 तक परिक्रिया पूरी कर ली जाएगी, ठीक है। 2020 देखिए 50% आपके अप्रैल तक हो जाएंगे, देन उसके बाद जो 50% बचेगा यानी कि 1300 बचेंगे, वो जो है आपके 2020 तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रेलवे लगातार वैकेंसी दे रहा है, ठीक है। लोको पायलट कहलाएंगे कैप्टन, लोको पायलट कहलाएंगे कैप्टन। पूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार ने चालकों के मांग पर लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट का नाम रखा था। उनका तर्क था कि ट्रेन ड्राइवर बुलाने पर ट्रक ड्राइवर जैसा महसूस होता है। इसके बाद रेलवे में ड्राइवर को लोको पायलट कहना शुरू कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद रेलवे में ड्राइवर को लोको पायलट कहना शुरू कर दिया गया। ड्राइवर एसोसिएशन के संजय पाथी ने कहा कि ड्राइवर का नाम बदला, सेवा शर्तों और सुविधाओं में कोई बदलाव नहीं हुआ। उनके लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट का कोई टाइम आज तक तय नहीं हुआ। तय घंटे से अधिक ट्रेन मालगाड़ी चलाना परंपरा बन गया है, ठीक है। अब आप देखते हैं एक और पॉइंट है, कैप्टन का वेतन ड्राइवर से ज़्यादा, कैप्टन का वेतन जो है ड्राइवर से ज़्यादा। DFC के ट्रेन ड्राइवर का नाम लोको पायलट के स्थान पर कैप्टन रखा गया है। इसके साथ ही उनका वेतन भी ड्राइवर से 1.3 गुना अधिक होगा, ठीक है, 1.3 गुना अधिक होगा, क्योंकि कैप्टन को मालगाड़ियों को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार पर दौड़ाना है। अधिक जोखिम के चलते कैप्टन के रनिंग भरते प्रति किलोमीटर भरता बेहतर होंगे। DFC पर मालगाड़ियां टाइम टेबल पर चलेंगी, ठीक है, DFC पर मालगाड़ियां टाइम टेबल पर चलेंगी। दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से कोलकाता मालगाड़ी 20 घंटे में पहुंचेगी। यात्री ट्रेन 17 से 18 घंटे लेती है। और देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो है ये निकल के आई है ब्रेकिंग न्यूज़ जो है स्टूडेंट लोगों के लिए, बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रेलवे लगातार वैकेंसी दे रहा है, ठीक है। काफ़ी से स्टूडेंट लोग थे जो डिसअपॉइंट हो गए थे, कि जैसे कि आप लोग जानते हैं ALP का अभी भर्ती हुई, मतलब कि ज्वाइनिंग हुई है, तो काफ़ी से स्टूडेंट लोग डिसअपॉइंट हो गए थे, सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उस टाइम मैंने कहा था कि वैकेंसी और भी आएंगी, टेंशन नहीं लीजिए बिल्कुल, अब पॉजिटिव रह के ही काम कीजिए, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड रहने से बहुत सारी चीज़ें सॉल्यूशन निकल जाता है, सॉल्यूशन ऑरेंटीज बनी है, ठीक है,
सॉल्यूशन ओरिएंटेड, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।